हेलो दोस्तों, एसआर एग्रीटेक में आपका स्वागत है। आज की वीडियो टमाटर की खेती के ऊपर होने वाली है। वीडियो बहुत अच्छी है, शानदार है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आई है और वीडियो में पूरा बने रहें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर वीडियो आपको ज़्यादा ही अच्छी लगे तो कमेंट में आप बता सकते हो, और आप ये भी बता सकते हो, हमें सजेस्ट कर सकते हो कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, कौन सी खेती के ऊपर चाहिए, एग्रीकल्चर की किसी भी खेती के ऊपर आप बता। दोस्तों, हम इसी टमाटर की बाड़ी के बारे में बात कर रहे थे। ये टमाटर की बाड़ी पलवल के एक छोटे से गांव में है। इस बाड़ी में उसने बहुत कुछ किया है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हो, इसमें कई तरह की सब्जियां बो रखी हैं। ये देख रहे हो आप, ये गोभी है जिसे ब्रोकली कहा जाता है, और ये टमाटर है। और इन्होंने क्या किया है, एक साइड में प्याज भी बोई हुई है। जैसा कि आप देख रहे हो, बहुत अच्छी है पेड़ों की ग्रोथ। आप देख रहे हो इनमें कुछ फूल वूल भी आने लगे हैं। दोस्तों, इसके लिए हम आपको कंप्लीट प्रोसीजर बताएंगे, कैसे बोए हैं, क्या क्या काम किया है, कहां से खिरिया विरिया बनाए हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, एक भी स्टेप मिस मत करना। सबसे पहले दोस्तों, खेत को जोत लिया है अच्छी तरह से, उसमें DOP पबेड़ दिया है या मशीन से उड़वा दिया है। फिर दोस्तों, उसके बाद प्लाउ से ये खिरिया बना दिए हैं। जो खिरिया आप देख रहे हो, इन्हें वैसी बेसिकली बेड भी बोला जाता है। बेड की एक साइड में जिस तरफ से धूप आती है, आप समझ रहे हो, मतलब बेड की लेफ्ट साइड में टमाटर बो रखे हैं और बेड की राइट साइड में बो रखे हैं प्याज। तो दोस्तों, इनको टमाटरों को बोए कम डेढ़ से लगभग 2 महीना हो चुका है। और ये एक बार पहले आप व्यू देख लो, यहाँ का बहुत ही अच्छा व्यू है। और बहुत ही सारी फसल और भी बो रखी है साइड में, जैसे सरसों है, गेहूं है, और ये है। दोस्तों, सर्दियों से बचाने के लिए इनकी कवरिंग भी की गई थी। कवरिंग हम वीडियो में आपको आगे दिखाएंगे कि कवरिंग कैसे की गई थी। बेड बनाने के बाद दोस्तों, हम अपने वापस से टॉपिक पर आते हैं। फिर उनके बाद हमने नर्सरी में पौध जमवाई थी, और वो पौध की भी आपको बीच बीच में इमेजेस दिखती रहेंगी। फिर वो लगा दिए थे। लगाने के बाद दोस्तों, पानी दे दिया। पानी देने के बाद ये कुछ पक्षी हैं जो आपको उड़ते हुए देख रहे होंगे। ये दोस्तों, पानी देने के बाद फिर इन्हें छोड़ दिया गया था 10 से 15 दिनों में। जब पेड़ों ने अपनी जड़ पकड़ ली थी, उसके बाद इनमें DAP खाद दोबारा घेरा गया था, उसके बाद एक निलाई दी थी। निलाई से क्या है कि दोस्तों, जो थोड़ा बहुत घास फूस हरी हुई थी वो उखड़ गई। उसके बाद फिर आप पेड़ों की ग्रोथ देख सकते हो, जो 1 किले में बो रखे हैं, बहुत ही अच्छी ग्रोथ है इनकी। और आप जो हम कवरिंग की बता रहे हैं, वो कवरिंग आप भी करा सकते हो। उसके लिए आपको 1 एकड़ में लगभग 60,000 रुपये का खर्चा आएगा। आपको पहले सामान मिलेगा, लाना पड़ेगा, वो आप दिल्ली से भी ले सकते हो। हमने तो बेसिकली वो इस किसान से बात की थी, तो इन्होंने तो जयपुर से लिया था। और उसके बाद उस पर सब्सिडी भी होती है, वो आप किसी हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से या किसी और से पता भी कर सकते हैं कितनी ऑफिस क्या है, क्या क्या प्रोसीजर रहेगा। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं खेत के कोने पे। आपको दिखा दें कि बेड कंप्लीट सीधे 1 किले में लंबे हैं। और देखो आप, अब दोस्तों टमाटर की तो बात हो गई, फिर ये टमाटर छोड़ दिए, उसके बाद कवरिंग करी गई। कवरिंग को हम वीडियो में आपको आगे दिखाएंगे। फिर इसके बाद एक साइड में इन्होंने प्याज भी लगाई हुई है, प्याज भी आप देख सकते हो। चलो दोस्तों, अब आपको कवरिंग दिखा देंगे। अब उसके लिए हमें इससे दूसरे खेत में जाना होगा, जिसमें दूसरी तरह की फसल बो रखी है, वो है टमाटर के अलावा भी तूमड़ा, तोरी ओरी, कचरा वचरा है उसमें, उसको भी आपको दिखाते हैं। जैसा कि आपको एक बार दिख रहा होगा, ये कवरिंग है, पोलोथीन है और एक मेटल स्टिक है। वो मेटल स्टिक को यू शेप में गाड़ देते हैं, उसके बाद उसके ऊपर पोलोथीन को ढक देते हैं। चलो दोस्तों, दूसरी बाड़ी को भी आपको दिखा देते हैं। दोस्तों, अब आ गए हैं हम दूसरी बाड़ी के ऊपर। चलिए, इसका भी आप एक बार आपको रिव्यू पूरे दिखा देते हैं।
दोस्तों इसमें पहले हमने नाली बनाई हुई है और नाली में पेड़ बो रखे हैं। देख सकते हो। और अब अगर आपको दिखाएं हम इसको कैसे कवर करते हैं रात में, तो इसमें इस पन्नी को इस स्टिक के ऊपर फैला देते हैं, इसको इस तरह पकड़कर ऐसे कर देते हैं इसको। दोस्तों मैं आपको करके दिखा रहा हूं, आप देख सकते हो। जैसा कि आप दोस्तों देख रहे हो इस तरह, अभी तो ये प्रॉपरली हुई नहीं है, इस तरह ये पूरे पेड़ों की लाइन को कवर कर लेती है, उसके बाद पेड़ इसमें अंदर से दिखते हैं, धूप इसमें मिलती रहती है इनको और सर्दी से बच जाते हैं। चलो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।